तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ इस सीजन का आईपीएल का जो क्वालिफायर टू मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के साथ। तो इस मैच की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देख लेना। और भाई वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हो तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक करके देखना स्टार्ट करें, क्योंकि यार आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से देखना स्टार्ट कर देना। और बात करें अगर भाई डेट एंड टाइमिंग की, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर 13 अक्टूबर यानी कि कल भाई ये जो दूसरा क्वालिफायर मैच है ये खेला जाएगा। वही बात करें यहाँ पर दूसरे क्वालिफायर में टीम्स कैसे आई, तो भाई दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर भाई चेन्नई सुपर किंग्स से हार के आ रही है। तो फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है क्वालिफायर वन में, हार के आ रही है। तो वही बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो भाई ये आरसीबी को हरा के आई है यहाँ पर एलिमिनेटर मैच में। तो मैच काफी इंपॉर्टेंट होने वाला क्योंकि दोनों ही टीम्स काफी खतरनाक है। कोलकाता ने जो आईपीएल का फेज टू स्टार्ट हुआ है तब से जो प्रदर्शन दिखाया भाई मेरे हिसाब से इतना गजब प्रदर्शन अगर ओवरऑल टीम्स कंपेयर करें तो भी भाई किसी का नहीं रहा होगा। और यहाँ पर भाई शारजा का ग्राउंड रहने वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं, शारजा का ग्राउंड रहने वाला है। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और भाई एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको मतलब इस मैच के बारे में वीडियो बना रहा हूँ और इसके बाद इस मैच के बारे में जो भी अपडेट आएगी यानी कि किसी प्लेयर के बारे में अपडेट आओ, चाहे भाई मैच के बारे में आओ, चाहे किसी एक टीम के बारे में आओ, चाहे भाई किसी ने कुछ भी अपडेट आओ जो मतलब आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, वो अपडेट भाई आपको टेलीग्राम पर पता लगेगी। साथ ही भाई जो इनका मतलब फाइनल जो प्लेइंग 11 होगी वो आपको मतलब यहाँ पर पता लगेगी। इसके अलावा बात करें तो जो मान लो इनकी पिच रिपोर्ट है जो फाइनल मैच से पहले मतलब टॉस से पहले जो पिच रिपोर्ट आती है वो आपको यहाँ पर पता लगेगी। साथ ही भाई टॉस की प्रिडिक्शन बताऊंगा। साथ ही भाई और जो आपको ड्रीम इलेवन टीम में कुछ भी चेंजेस करने होंगे ना, तो जो फाइनल अपडेट्स होंगी वो सब आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाइए और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं मैच की तरफ। और यहाँ पर भाई बात करें तो वेन्यू की, तो आपको मैं बता चुका हूँ शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा का ये वेन्यू रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हो शारजा पिच काफ़ी स्लो हो चुकी है जो कंपेयर करें अगर लास्ट सीजन से, और यहाँ पर मीडियम फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाला है, ठीक है। और मतलब एक छोटी सी मान लो ये चीज़ मान लो शॉर्ट बाउंड्री है ना, ये एक छोटा सा पॉजिटिव साइन है बैट्समैन के लिए। इसके अलावा सब कुछ मान लो बॉलर्स के फेवर में इस बार शारजा में कर दिया गया है। और बात करें अगर शारजा के ओवरऑल रिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 58 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 19 बार विनिंग की है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने भाई 39 बार विनिंग की है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। एवरेज स्कोर की बात करें तो आप यहां से देख सकते हो भाई एवरेज स्कोर आपको यहाँ से 150 से 170 के बीच में देखने को मिला है। और इसके अलावा बात करें भाई तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर बात करें मतलब जो आईपीएल 2020 का सीजन रहा था उसमें यहाँ पर टोटल 12 मैचेस खेले गए थे जिसमें से 5 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विनिंग की और 7 मैचेस यहाँ पर बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने विनिंग किए थे। और अगर बात करें भाई बॉलर्स ने मतलब टोटल बॉलर्स ने कैसे क्या विकेट निकाले थे वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर भाई टोटल विकेट मान लो आप यहाँ पर देख सकते हो 147 गिरे थे जिसमें सिर्फ 42 विकेट्स यहां पर भाई स्पिनर्स को मिले थे। और बात करें पेसर्स की तो यहां पर ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा यानी कि टू ये मान लो कि 2.5 टाइम ज़्यादा यहाँ पर मतलब विकेट मिले हैं पेसर्स को। और इस बार भी मतलब पेसर्स को देखो थोड़े से ज़्यादा विकेट तो वैसे भी मिलते हैं। इसका रीज़न है यार, इसका रीज़न ये है कि अगर मान लो पेसर्स एक तो स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाएंगे तो वहाँ पर भी भाई बैट्समैन सेट नहीं होता, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं पेसर्स को विकेट मिलने के। इसके अलावा डेथ ओवर्स में हमेशा पेसर्स आपको बॉलिंग कराते नजर आएंगे, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है पेसर्स के लिए क्योंकि डेथ ओवर्स में बल्लेबाज मारने की सोचता है तो मारने के चक्कर में आउट भी जल्दी हो जाता है। और बात करें अगर इस सीजन की, तो भाई इस सीजन में अभी तक 9 मैचेज खेले जा चुके हैं आईपीएल के शारजा के ग्राउंड पर। और यहाँ पर आप रिकॉर्ड देख सकते हो, जो रिकॉर्ड रहा है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईपीएल 2021 में 9 मैचेज खेले गए, 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विनिंग किया जबकि 6 बार यहाँ पर सेकेंड मतलब जो सेकेंड टाइम पर बैटिंग करने ये टीम उसने विनिंग की है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहां से देख सकते हो 150 से ऊपर मतलब नीचे का स्कोर आपको यहां पर 27 बार देखने को मिला है, और बात करें 150 से 170 के बीच में तो ये भाई आपको देखने को मिला है 9 बार, और बात करें 170 से 190 के बीच में तो ये भाई आपको देखने को मिला है 12 बार। इसके अलावा भाई बात करें 190 प्लस का स्कोर तो ये 10 बार आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भाई मतलब दोनों टीम्स के बीच मतलब जो अभी तक दोनों टीम्स के बीच क्या भाई मतलब जो यहां पर सारे मैचेस खेले गए इसका भाई ये
तो अब अगर भाई आगे बात करें एड टू एड मैचेस की, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर भाई 28 मैचेस टोटल खेले गए दोनों टीम्स के बीच अब तक, और 12 बार भाई यहाँ पर दिल्ली ने विनिंग की है, तो भाई यहाँ पर 15 बार कोलकाता ने दिल्ली को हराया हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो कोलकाता पलड़ा थोड़ा सा भारी है, और साथ ही अगर बात करें दिल्ली की, तो भाई दिल्ली के बाकी दो सीजन की बात करें, दो सीजन में इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। और अगर भाई बात करें यहाँ पर दिल्ली के लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ से पृथ्वी शो भाई काफ़ी गजब की बल्लेबाजी करके गया, ठीक है। और इसने मान लो एक तरफा दिल्ली को मतलब मोमेंटम जो स्टार्टिंग में मोमेंटम चाहिए था वो दे दिया, तो यहाँ पर 60 रन इसने बनाए, धवन ने भाई यहाँ पर 7 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने भाई 1 रन बनाया। इसके अलावा बात करें अक्षर पटेल को भाई यहाँ पर नंबर 4 पर प्रमोट किया गया, लेकिन भाई इसने सिर्फ 10 रन बनाए, और साथ ही भाई 3 ओवर की गेंदबाजी में विकेटलेस रहे। बात करें यहाँ पर पंत की, तो पंत ने भाई 51 रन काफ़ी अच्छे बनाए और नोट आउट रहे थे लास्ट में। एटमायर ने 37 रन बनाए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस, मतलब ठीक ठाक से तो काफ़ी ऊपर परफॉर्मेंस है। टॉम करन ने भाई यहाँ पर 3 विकेट निकाले। इसके अलावा अश्विन ने भाई, अश्विन यहाँ पर लगातार फ्लोप हो रहे हैं, तो अश्विन को सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ट्राई करो, स्मॉल लीग में बिल्कुल ट्राई मत करना। रबाडा को भाई लगातार फ्लोप हो रहे हैं, लेकिन आप इनको स्मॉल लीग में जरूर ट्राई करना, क्योंकि लोग इसे ड्रॉप करके चलेंगे और यहाँ पर हम इसे पिक करके चलेंगे, तो भाई काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किसी ना किसी मैच में हमें दिलवा सकता है। और आवेश खान की बात करें, तो इसने भाई एक में एक विकेट निकाला, और एनरिक नोरखिया ने भी यहाँ पर एक विकेट निकाल लिया था। तो अगर बात करें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो मैं आपको यहाँ पर बात मतलब मार्क करके बता देता हूँ। तो यहाँ से भाई बात करें पृथ्वी शो, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, और यहाँ से भाई अक्षर पटेल बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ऋषभ पंत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भाई टॉम करन अगर खेलता है तो भाई आप देख लेना, ये रिस्की पिक अगर आप चाहो तो रख लेना। रबाडा इंपॉर्टेंट है, और भाई आवेश खान इंपॉर्टेंट है, आवेश खान से भी ज़्यादा भाई नोरखिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन टीम को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर, इन प्लेयर्स को आप ग्रैंड लीग में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना, और इन्हीं कैप्टन, इन्हें कोई कैप्टन वॉइस कैप्टन जरूर बनाना आप ग्रैंड लीग में। अगर बात करें यहाँ पर भाई कोलकाता नाइट राइडर्स के लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस भाई बैटिंग ऑर्डर प्लस परफॉर्मेंस की, तो आप यहाँ से देख सकते हो शुभमन गिल ने भाई यहाँ पर 29 रन बनाए, काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पर वेंकटेश अय्यर काफी स्ट्रगल कर रहे थे, तो यहाँ पर शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और काफी अच्छी यहाँ पर स्टार्टिंग दी कोलकाता को। और बात करें वेंकटेश अय्यर की, तो इसने भाई 26 रन बनाए। त्रिपाठी भाई बिल्कुल सस्ते में निपट गए इस मैच में, और इसने भाई सिर्फ 6 रन बनाए। नीतीश राणा ने यहाँ पर 23 रन बनाए। बात करें सुनील नारायण की, तो सुनील नारायण भाई ये मान लो पूरे सीजन में एक भी मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, मान लो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन एक भी मैच ऐसा नहीं गया था। और ये मैं आपको बार बार बोल रहा था कि सुनील नारायण का एक मैच आएगा और वो काफी अच्छा करके जाएगा, बट मेरे को इतना मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो रन और मतलब रन भी बनाएगा और 4 विकेट निकालेगा। मैं आपको हमेशा यही बोलता आ रहा था कि वो 2 से 3 विकेट निकालेगा और यहाँ पर भाई ओपनिंग में आएगा तो रन बनाएगा, लेकिन भाई ये नंबर 5 पर बैटिंग करने आया, फिर भी भाई इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा गजब की परफॉर्मेंस इसने हमें दी है। दिनेश कार्तिक की बात करें, 10 रन इसने बनाए। मॉर्गन ने 5 रन बनाए। शाकिब अल हसन की बात करें, तो 9 रन बनाए प्लस 4 ओवर गेंदबाजी में विकेटलेस रहे, ठीक है। लॉकी फर्ग्यूसन भाई मतलब इतने खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, चोट से वापस आए, वापस आते हैं, आप देख लो इनकी मतलब फिर से परफॉर्मेंस। इससे पहले वाले मैच में भाई 3 विकेट, इस मैच में 2 विकेट, ठीक है। शिवम मावी ने भाई यहाँ पर 4 ओवर में 36 रन देकर विकेटलेस रहे, और साथ ही भाई वरुण चक्रवर्ती हालांकि इतने महंगे साबित नहीं हुए बिल्कुल भी, और बट विकेटलेस रहे थे यार ये। और तो यहाँ पर भाई मैंने दोनों टीम्स के आपको ऑलमोस्ट सारे स्टैट्स बता दिया है, बाकी इसके अलावा अगर कुछ स्टैट्स बचते तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर कवर करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो अब बात करते भाई एक डेमो टीम की, जो मैं आपको देने वाला हूँ, 2-3-4 मेंबर की एक डेमो टीम आपको मैं देने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर भाई आपको क्रेडिट इशू काफी ज्यादा आएगा, बट फिर भी हम क्रेडिट इशू के हिसाब से मैनेज करके हम टीम बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भाई मैं आपको स्पोर्ट ऐसी पर टीम बनाकर दिखाऊंगा। यहां पर भाई बिल्कुल भी क्रेडिट इशू नहीं है, 1% भी आपको क्रेडिट इशू नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आप जिस प्लेयर को आप चाहो ना, सब मतलब जो बेस्ट 11 आप चाहो वो आप यहां पर ले सकते हो, ठीक है। तो वो आप वही कैसे क्या करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले भाई यहां पर बात करते हैं ड्रीम 11 की। तो ड्रीम 11 पर भाई ऋषभ पंत हमारी टीम में होंगे, ठीक है, शिखर धवन हमारी टीम में होंगे। तो यहाँ से बात करें तो अरे यार कहाँ पे गया, शुभमन गिल को हम रखेंगे और यहाँ से पृथ्वी शो को रखेंगे, इससे भाई क्रेडिट थोड़े मैनेज हो जाएंगे। और श्रेयस अय्यर को अगर आप चाहो तो रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो यहाँ से 4 मतलब बैट्समैन हमने पिक कर लिया, और यहाँ से भाई नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इनको ड्रॉप करने के ऊपर ही भाई क्रेडिट मैनेज होने वाले हैं। और यहाँ से बात करें तो सुनील नारायण भाई यहाँ पर
सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको मैं जरूर ट्राई करूंगा। वेंकटेश अय्यर को मैं ट्राई करूंगा और यहाँ से भाई अक्षर पटेल को ट्राई करूंगा। तो तीन भाई मैंने यहाँ से ऑलराउंडर ले लिए, ठीक है। और इसके अलावा बात करें बॉलर्स की, तो ऐसे बॉलर्स में भाई आप देख सकते हो, मतलब अगर पिक करें आवेश खान को और लोकी फर्गिसन को और नोरखिया को, तो ये भी आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छी चॉइस आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर कागेश्वर अबाड़ा का मतलब थोड़ा सा डाउन आया परफॉर्मेंस, 8.5 क्रेडिट में भी आपको मिल रहा है, पहले भाई आपको मतलब पूरे 9 क्रेडिट में मिल रहा था। तो यहाँ से भाई हमें क्या क्या मैनेजमेंट करनी पड़ी, यहाँ से भाई हम मतलब ना तो नीतीश राणा को पिक कर पाए, ना ही भाई राहुल त्रिपाठी को पिक कर पाए, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में कोई दिक्कत है नहीं, हमें सारे प्लेयर्स हम पिक कर पाए हैं, ठीक है। और यहाँ से भाई शाकिब अल हसन को हम पिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप देखो किसको ड्रॉप करोगे। तो शाकिब अल हसन को मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मान लो मैं अय्यर को ड्रॉप करता हूँ तो भी भाई मैं यहाँ से शाकिब अल हसन को ले सकता हूँ, लेकिन फिर भाई यहाँ से दिल्ली का एक बैट्समैन कम हो जाएगा। तो या तो भाई मतलब आपको अय्यर को ड्रॉप करना है तो आप शाकिब अल हसन को लेना है तो भाई आप अय्यर को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो आप ड्रॉप ना भी करो तो काम चल जाएगा, ठीक है, रिस्की पिक रहेगा, बाकी आप चाहो तो ट्राई कर लेना। अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो बिल्कुल सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊं तो भाई मैं आपको यहाँ से आप कैप्टन शिखर धवन को बना लो और वाइस कैप्टन भाई आप यहाँ से वेंकटेश अय्यर को बना सकते हो। इसके अलावा भाई अगर बात करें और ऑप्शन की, तो और ऑप्शन में आपको देने वाला हूँ पृथ्वी शॉ काफ़ी अच्छा है, शुभमन गिल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा भाई और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सुनील नारायण के साथ काफ़ी लोग जाएंगे, क्योंकि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस आई है, तो अगर आप चाहो तो आप भी भाई सुनील नारायण के साथ जा सकते हो। बाकी मैं भाई रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन्हें वॉइस कैप्टन या कैप्टन बनाओ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वन टाइम परफॉर्मेंस थी, हालांकि परफॉर्मेंस दोबारा भी आ सकती है, लेकिन इतनी मतलब इतनी गजब की परफॉर्मेंस आएगी ये उम्मीद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे कैप्टन वॉइस कैप्टन ये होने वाले हैं। तो यहाँ से भाई अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारे पास एक यहाँ पर बैट्समैन शॉर्ट है, और ये भाई नीतीश राणा या राहुल त्रिपाठी में से कोई एक आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर सकते हो या अय्यर को, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके, यार इन दोनों में से ऐसे नीतीश राणा या फिर भाई त्रिपाठी में से कोई एक आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ये होने वाले हैं। तो ये भाई हमारी टीम रहने वाली है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर यहाँ से आप देख सकते हो भाई ये हमारी टीम है, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज यहीं पे वीडियो पॉज करके भी आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर भाई बात करें यहाँ पर टेलीग्राम, तो भाई आप ज्वाइन कर ही लोगे, ठीक है। और बात करें अगर यहाँ पर स्पोर्ट एसी पर, तो यहाँ पर भाई आपको कोई भी क्रेडिट इशू नहीं आने वाला। ऋषभ पंत को हमने टीम में लिया, राहुल त्रिपाठी को हमने टीम में लिया, ठीक है। और यहाँ से शिखर धवन को भी हमने टीम में ले लिया, पृथ्वी शो को हमने टीम में लिया और शुभमन गिल को हमने टीम में लिया, ठीक है। ये चार प्लेयर हमने पिक कर लिए। और अगर आप चाहो तो पृथ्वी शो और अय्यर में से किसी एक को आप ट्राई करोगे, वो आपके ऊपर अपना रिस्क है, ठीक है। यहाँ से सुनील नारायण आपकी टीम में रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और अक्षर पटेल और वेंकटेश अय्यर, ठीक है, तीनों यहाँ पर मैंने पिक कर लिए। तो अगर भाई यहाँ से बात करें तो लोकी फर्गिसन को हमारी टीम में रखेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ से बात करें हेनरिक नोरखे हमारी टीम में रहेगा, और यहाँ से आवेश खान हमारी टीम में रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो आप वरुण चक्रवर्ती को ट्राई कर सकते हो आवेश खान की जगह पर या नोरखिया की जगह पर, वो आपके ऊपर अगर आप करना चाहो तो। तो ये हमारी टीम है भाई, और यहाँ पर आप ऊपर देखोगे कि हमारे दो क्रेडिट बच भी गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्रेडिट इशू बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप स्पोर्ट एसी पर खेलोगे तो। साथ ही भाई यहाँ पर अभी आपको कॉन्टेस्ट भी दिखाता हूँ, काफ़ी मतलब आसानी से आप यहाँ पर विनिंग कर लेते हो। एक तो भाई अगर कंपेयर करें दूसरे मतलब फैंटेसी प्लेटफॉर्म से, तो उनके कंपैरिजन में भाई यहाँ पर सॉरी दोस्तों तो उनके कंपैरिजन में भाई यहाँ पर एंट्री फीस भी काफ़ी कम है। साथ ही भाई इसके अलावा एंट्री फीस की बात अलावा बात करें तो यहाँ पर जो स्मॉल लीग लगती है ना, जो मिनी जीएल बोलते हैं भाई, वो यहाँ पर काफ़ी इजीली आप विनिंग कर सकते हो। साथ ही भाई कंपटीशन भी काफ़ी कम है यहाँ पर, मतलब ऐसे ऐसे मतलब लोग खेलने आते जिन्हें मतलब पता भी नहीं होता, वो यार ऐसी टीम मान लो धोनी को कैप्टन बना के आएंगे जो हेड टू हेड खेलेंगे। तो हेड टू हेड में यार धोनी चलो मान लो हो सकता है परफॉर्मेंस दे जाए, लेकिन भाई ये कितना बड़ा रिस्क है आप खुद भी समझदार हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बात करें यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन भाई कैप्टन वाइस कैप्टन में सेम देने वाला हूं आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आपको रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं देने वाला। तो यहां से ये टीम हो गई। अगर भाई आपने स्पोर्ट्स ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, रेफर कोड आप मेरा यूज कर लेना, रेफर कोड मैं अभी आपको बता देता हूं, यहां पर आप देख लो कार्तिक पीएम का आपको रेफर कोड यूज करना, KARTIK और बिना स्पेस के भाई PM, ठीक है। कार्तिक PM अगर आप रेफर कोड यूज करोगे तो भाई आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलेगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। 100 रुपये का एक्स्ट्रा कैश बोनस आप यूज कर सकते हो, वो आप जैसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे तब आपके बोनस कैश में से कुछ 5 या 10% की एंट्री फीस कटेगी, तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।